हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि त्योहारों का सीजन है, और त्योहार बिना मिठाई के नहीं, और मिठाई बनती है वो बिना घी के नहीं। तो हमने सोचा कि चलो हम घी की रेसिपी शेयर करते हैं आपसे। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बाहर की मिठाइयाँ खा करके बीमार पड़ने से अच्छा है कि हम घर में घी निकालें और घर में बनाएं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हमने ले लिया एक हफ्ते का मलाई। ये मलाई हमने फ्रीजर में फ्रीज करके रखा था, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि मलाई को हमेशा फ्रीजर में ही आप स्टोर करिएगा। अब इसको हमने एक पतीले में ले लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे लगभग 5 से 10 मिनट तक। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर आप घी निकालने जाते हो तो बहुत सारे बर्तन जूठे हो जाते हैं, सब में घी लग जाता है और हमें इतनी मुश्किल होती है उसको साफ करने में कि मैं क्या ही बताऊं। आज हम एक ही बर्तन में मलाई से मक्खन भी निकालेंगे और मक्खन से हम इसको घी भी बनाएंगे। तो हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वही हमेशा की तरह की वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगा। तो देखिए, हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से, और इसको आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। और कोई हमें मथनी की ज़रूरत नहीं है, किसी हमें 10 बर्तन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही मतलब हम औरतों के लिए सबसे इजी प्रोसेस है घी निकालने के लिए। तो देखिए, 5 से 10 मिनट हो गया है हमें इसे मिक्स करते हुए, और आप देख सकते हैं ये मलाई से थोड़ा थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आने लगा है। तो इसका मतलब है कि हमारा घी, हमारा मक्खन निकलने वाला है। तो अब हमें इसमें डालेंगे बर्फ। बर्फ ही डालिएगा आप, ठंडा पानी, अगर आपके पास बहुत चिल्ड पानी हो तो आप चिल्ड पानी डाल दीजिएगा। मेरे पास बर्फ़ है, तो बर्फ़ से पता है क्या होता है, बर्फ़ से ये होता है कि ये बहुत जल्दी इसके गोले बन जाते हैं, मतलब ये सारा मक्खन एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए, ऐसे आप मिक्स करेंगे तो कुछ इस तरह का बिल्कुल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पानी है इसको हम ड्रेन कर लेंगे, इसको हम छान लेंगे। और उस पानी को भी आप फेंकिएगा नहीं, उसे आप आटा गूंथ सकते हैं, उससे रोटियाँ बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनती हैं। तो बस अब हम इसी बर्तन को चढ़ा दिया है गैस पे, और देखिए ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। आज की वीडियो देख करके आपका बहुत सारा काम आसान होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि कितनी प्रॉब्लम हो जाती है हमें बर्तन मांजने में, बर्तन को साफ करने में। तो देखिए, अच्छा हाँ, एक और बात, अगर आपके मक्खन से बदबू आ रही हो, जैसे कि हम मक्खन कई दिन, जैसे हफ्ते भर हम फ्रीजर में नहीं रखते, उसको हम नीचे वाले कंपार्टमेंट में रख देते हैं, तो उसमें से बदबू आने लगती है। तो उस बदबू को दूर करने के लिए या तो आप नींबू डाल दीजिए, एक नींबू का जूस निकाल लीजिए और उसको डाल दीजिए। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप विनेगर डाल सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी नहीं हो तो आपके लिए हम एक तीसरा अल्टरनेट लेकर के आए हैं, जो कि है लौंग के दाने। हालांकि हमारे वाले मक्खन में से कोई बदबू नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए हमने 3 लौंग के दाने इसमें डाल दिए हैं। देखिए, आपको दिख भी रहा होगा ये, और कैसे क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल घी हमारा तैयार हुआ है। अब इसको हम ड्रेन कर लेंगे, इसको हम छान लेंगे दूसरे बर्तन में। देखिए, बिल्कुल घर का बना हुआ शुद्ध गाय का घी है ये, क्योंकि हम दूध गाय का लेते हैं, तो हमने गाय का दूध से ही ये घी प्रिपेयर किया है। तो बस आपका घी तैयार है बिल्कुल, और आप इस तरीके से निकालिए, और बाहर के जो मिलावटी मिठाइयाँ हैं उनको इन फेस्टिवल में खाने से बचिए। तो लीजिए, तैयार है हमारा घी। और वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।